पब्लिक टीवी आपकी आवाज। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की नीति को बनाने में अपनी पूरी ताकत से लगे हुए हैं, लेकिन सरकारी अमला सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार की छवि को धूमिल करने में लगे सरकारी कर्मचारियों को सरकार की किसी भी कार्रवाई का कोई डर नहीं है। मुरादाबाद के काशीराम क्षेत्र का भी कुछ यही हाल है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार सरकार की नीति अनुसार कार्य करने में लगे हैं, तो वहीं उनके कर्मचारी एमडीए वीसी को गुमराह करके मौज ले रहे हैं। हालांकि जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाने में अभी भी अवर अभियंता और उनके सहयोगी बचते नजर आ रहे हैं। इसका प्रमाण है काशीराम नगर, बैंक कॉलोनी, खुशालपुर आदि क्षेत्रों में धड़ल्ले से किए जा रहे अवैध निर्माण। जोन वन और सब जोन टू में धड़ल्ले से अवैध कमर्शियल निर्माण खुलेआम हो रहे हैं। मुरादाबाद वीसी के द्वारा जानकारी करने पर उन्हें गुमराह कर दिया जाता है, जिसके बाद अवैध निर्माणों का काम कराया जा रहा है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि क्षेत्र में अवैध निर्माण हो रहे हो और जिम्मेदारों को कुछ जानकारी ना हो। ये तो उजाले में रोशनी दिखाने जैसा होगा। अवर अभियंता और उनके सहायक सभी मिलकर मुरादाबाद उपाध्यक्ष को गुमराह करके मलाई चाटने में लगे हैं। अब देखना होगा कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के द्वारा इन लोगों के खिलाफ कब तक कार्रवाई की जाती है और अवैध निर्माण कराने वाले कर्मचारियों पर कब कार्रवाई होगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।